अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान रशीद और आप देख रहे हैं SBC मॉडिफाइड कार्स इन पाकिस्तान। आज लेके आए हैं जी आपके लिए सुजुकी महरान की मॉडिफाइड प्रोजेक्ट की वीडियो, जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं महरान के काम को, और महरान का जो काम है वो बहुत से लोग करवाना भी चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ एस्टीमेट भी शेयर करता हूं, और गाड़ी को सबसे पहले मैं बता दूं कि ये गाड़ी मेरे पास एप्टा मानसेरा से आई हुई थी तैयार होने के लिए, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी को सर्विस नहीं करवा सका। उसकी रीज़न थी कि लाइट नहीं थी और इन्होंने जाना था, लेट हो रहे थे, उस वजह से गाड़ी को सर्विस नहीं करवा सका। थोड़ी सी गंदी है इसलिए, लेकिन मैंने कहा चलें फिर, पता नहीं मौका मिला वीडियो बनाने का नहीं मिला, तो मैंने कहा बहरहाल जिस तरह से वीडियो बनती है उस तरह से बना लें। ये है जी 90 मॉडल है, इसको हमने फुल रिस्टोर किया है, डेंटिंग पेंटिंग की है, लाइट्स की मॉडिफिकेशन की है, अंदर इंटीरियर की मॉडिफिकेशन की हुई है, सीटें वगैरह इसकी काबली लेके लगाई थी, साइड पे फ्यूल कैप को एडजस्ट किया हुआ है, साइड के पैनल तैयार की है, बैक पे जो डिगी है वो लगाई है, और फ्रंट बैक के बम्पर्स हैं, फ्रंट लाइटों की मॉडिफिकेशन की गई है, बॉनट पे हुड लगा हुआ है, और हेडरेस्ट LCD वाली लगाई हुई है, फ्यूल कैप आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। ये बाइक का फ्यूल टैंक मिल जाता है, लेकिन इसकी प्रॉपर फिटिंग बना के उसको फिट करते हैं उस पर टाइम भी लगता है, और सिर्फ फ्यूल कैप की फ़िटिंग करने का हम 7,000 रुपया ले लेते हैं। तो बाकी आपने बम्पर सेट देख लिया होगा, महरान के ये वाले बम्पर्स जो हैं फोग लाइट्स कस्टमर की होती हैं, और बम्पर्स जो हैं वो हम 35 से 40 हज़ार रुपये में तैयार करते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई डिज़ाइन ले सकते हैं, और लैमोडोर किट के आपको पता है कि स्पेशलिस्ट हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह महरान में भी बड़ी अच्छी फिटिंग में लैमोडोर किट की इंस्टॉलेशन होती है। बड़ा आराम से दरवाज़ा ऊपर जाता है और बड़ा ही ईजीली दरवाज़ा नीचे की तरफ भी आता है। मज़ीद डिटेल्स आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर रात को आप 8 बजे के बाद मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ्रंट से लुक भी गाड़ी की देख सकते हैं, माशाल्लाह से गाड़ी सिंपल लुक में भी है और अच्छी भी है, किसी की अपनी पसंद है, इन बाइक की पसंद ही है। हालाँकि टायर रिम्स के चेंज होंगे, अभी डेकोरेशन का काम होना है, छोटे मोटे काफ़ी काम है होंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ। अंदर इंटीरियर की तरफ आते हैं तो डैशबोर्ड देख सकते हैं, स्टीयरिंग देख सकते हैं, इसमें पावर स्टीयरिंग भी किया हुआ है, इसको ऑटो इंजन लगाया हुआ है VXR का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और जो कंसोल है इसको हमने लोहे में तैयार करके ऊपर पोशिश करवाई हुई है, और सीट्स भी पोशिश की गई हैं बड़ी अच्छी, साइड के जो डोर पैनल हैं वो भी लगे हैं, सनरूफ लगा हुआ है गाड़ी में, सनरूफ के लिए काफ़ी कॉल्स आते हैं, और सनरूफ महरान का ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अंदर इंटीरियर के काम पे इसकी 25,000 की सीटें ली थी, 25,000 की सीटें लेने के बाद उसके ऊपर पोशिश का काम किया हुआ है, पोशिश का जो काम है उस पर तकरीबन 40,000 आपका लगा हुआ है, और हेडरेस्ट वाली जो ये LCDs हैं ये तकरीबन हमें मिल गई थी 18,000 रुपये की, और डोर के जो पैनल हैं अभी इनकी प्राइस जा रही है तकरीबन कोई 14 से 15 हज़ार के करीब जा रही है प्राइस, और डोर जो साइड के ग्लास हैं इसके दरवाज़ों के उनको भी हमने पावर विंडो किया हुआ है, और बैक में भी देख सकते हैं आप रेगजीन डाली हुई है, बैक लाइटों को मॉडिफाइड किया गया है। ओवरऑल इस गाड़ी पे जो मैं आपको एक एस्टीमेटेड बता देता हूँ कि इस गाड़ी पे तकरीबन इंजन वगैरह का A to Z एवरीथिंग सारा काम करके कोई 6,50,000 रुपया खर्चा आ गया, सनरूफ समेत, पेंट, डेंटिंग पेंटिंग, मैकेनिकल पोशिश का काम, टायर रिम पेंट, मतलब कि अब तक जो भी गाड़ी की आप काम देख रहे हैं उस सारे काम का एस्टीमेट मैं आपको बता रहा हूं। और ये सनरूफ वाली जो छत इसकी लगाई थी तकरीबन फिटिंग करने तक 80,000 रुपये में ये छत पड़ी हुई है हमें, सनरूफ वाली ऑटोमेटिक, हालांकि ये छत आपको मिलेगी नहीं कहीं से, एक छत बड़ी मुश्किल से ढूंढ के हमने लगाई थी, मिल जाती है, लेकिन ये जितनी काबिली छत हमें मिली थी उसकी ओरिजिनल फिटिंग सारी हमने ऊपर छत वाला कपड़ा होता है उसी को अल्टर करके लगाया गया था,
इसलिए इस तरह की छत में कह रहा हूँ मिलना मुश्किल है। सनरूफ अकेला मिल जाता लेकिन कंप्लीट फिटिंग के साथ मुश्किल है। मैं आपको दिखाता हूँ इंजन रूम, इसका इंजन भी वॉश होने वाला, लेकिन मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। VXR का इंजन है, 660 cc इसमें डाला हुआ हमने, और फ्यूल एवरेज और पिक गाड़ी की बहुत आला है। और इसकी जो लाइट्स हैं हेडलाइट्स, उसको भी अल्टर किया गया है। अभी रात का टाइम होता तो मैं आपको जला के ज़रूर दिखाता, लेकिन इसकी मैंने एक टिकटॉक पर शॉर्ट सी वीडियो डाली हुई है हेडलाइट्स की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एस्टीमेट मैंने आपको बता दिया है, और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब बेल आइकन तो प्रेस भी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। लाइट्स के आप देख सकते हैं कि किस रोशनी में जितना सा हो सकता है मैं डेमो दे रहा हूँ आपको। अगर रात का टाइम होता तो मैं आपको अच्छे से वीडियो को शेयर कर सकता था। मेरी वर्कशॉप की लोकेशन जी 12 कोम मेन मरी रोड इस्लामाबाद पे है। गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं SBC मॉडिफाइड कार्स इन पाकिस्तान, आपको मेरी लोकेशन मिल जाएगी। और बाकी जो मज़ीद डिटेल्स है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। और जब भी आपने गाड़ी का काम करवाना हो, कोशिश किया करें कि अपनी गाड़ी की कंप्लीट वीडियो बना के और जो काम आपने करवाना है उसमें एक डिटेल्स में वॉइस मैसेज कर दें, और इंशाल्लाह मैं जब भी आपका मैसेज सुनूंगा आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए फिर हाज़िर होंगे, और इजाज़त दें मुझे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।